हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टेक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 1 करेंगे, जो कि है सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो इंडियन पीनल कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रीलिम के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इफ़ेक्ट में कब आया, तो 6 अक्टूबर 1860 को ये इफ़ेक्ट में आया। और रही बात फोर्स की, तो 1 जनवरी 1862 को ये फोर्स में आया। ठीक है, और जब पूछते हैं किसने लिखा, तो किसने ड्राफ्ट किया, तो इसका टीबी मैकाइले ने इसको क्या किया है, लिखा है। ठीक है, ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, फोर्स, इफेक्ट और किसने ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल कहाँ से स्टार्ट होता है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। तो चैप्टर 1 में सेक्शन 1 to 5 है। चैप्टर 1 इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है प्रीलिम में आजकल चैप्टर वगैरह भी पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 1 बात करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। जिनके पास पुराने बेयर एक्ट हैं वो ध्यान रखें कि अब सेक्शन 1 भी अमेंड हो चुका है। कैसे, पहले जो जम्मू कश्मीर को हम छोड़ते थे, अब एक्सटेंड कर दिया है पूरे इंडिया पे। तो सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट कहाँ से हुई है ये भी याद रखना। 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 2019 वाली जो है आपकी अमेंडमेंट, वहाँ से इसको कमिट कर दिया गया है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो है ये आपका सेक्शन 1 अमेंड हो गया है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। इस सेक्शन के आगे आप इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रा टेरिटोरियल क्यों कहा गया कि इंडिया में रहते हुए कोई पर्सन इस एक्ट को वॉयलेट करता है वो पनिशेबल होता है अकॉर्डिंग टू IPC। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, उसने कोई एक्ट किया या कुछ ओमिशन किया, इनको भी मैं आगे समझाऊंगी, एक्ट और ओमिशन, कंट्रेरी यानी कि इस कोड के कंट्रेरी में कुछ किया तो वो गिल्टी हो जाएगा। फिर है सेक्शन 3। सेक्शन 3 और 4 के आगे आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लिख सकते हैं। प्रीलिम में पूछ लेते हैं कि एक्स्ट्रा या इंट्रा टेरिटोरियल कौन कौन सा सेक्शन डील करता है, तो सेक्शन 2 करता है इंट्रा टेरिटोरियल से और सेक्शन 3 और 4 करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से। सेक्शन 3 क्या कहता है, देखो, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। देखो, एनी पर्सन लाइबल, ध्यान रखना, एनी पर्सन जो भी लाइबल होगा, एनी पर्सन पे इसलिए फोकस किया। सेक्शन 2 में क्या पढ़ा, एवरी पर्सन, है ना, एवरी पर्सन सेक्शन 2 में कहा, यानी कि इरेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ भी हो, स्टेटस, रैंक वगैरह, आपको अगर आप कॉन्ट्रेरी में कुछ करते हैं इस कोड के तहत तो आप दोषी हैं। ठीक है, हालांकि इसके एक्सेप्शन भी हैं, जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361(2) है वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये मीन्स का क्वेश्चन भी इस तरह से फ्रेम कर देते हैं कि ऑल दो सेक्शन 2 जो है लाइबल ठहराता है पर्सन को इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी, रैंक, रेस, रिलीजन एट्सेट्रा, लेकिन कुछ पर्सन हैं जिन्हें जो है एग्जेम्प्ट मिली हुई है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। हो सका तो मैं मीन्स में ये क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगी, ठीक है, मीन्स प्रैक्टिस में। तो अभी के लिए आप याद रखिए, सेक्शन 2 में यूज़ हुआ है एवरी पर्सन और सेक्शन 3 में यूज़ हुआ है एनी पर्सन। तो एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ के उसमें अगर कोई पर्सन लाइबल होता है, वो पर्सन जो है भारत से, इंडिया से बाहर जाके अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो इस कोड के तहत वो क्या होगा, डील करेगा, यानी कि उसको ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे कि उसने इंडिया में वो कमिट कर दिया हो। ठीक है, फिर है सेक्शन 4। सेक्शन 4 आपको बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड
टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज, इसमें तो ये वर्ड आ ही गया, ठीक है। और इसके साथ आप सेक्शन 188 सीआरपीसी को कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, जो इंडिया से बाहर जो हैं ऑफेंस कमिट होते हैं, तो सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी भी यहाँ लिख लीजिए। और फ्लोटिंग आइलैंड थ्योरी भी यहाँ पे अप्लाई होगी। फ्लोटिंग आइलैंड थ्योरी क्या है वो मैं आपको अब बताती हूँ सेक्शन 4 में। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, कौन कौन है देखो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड, यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड है कि यहाँ का बंदा क्या सिटीजन, कहीं पे भी जाके कोई कमिट करता है ऑफेंस को तो वो क्या हुआ, फ्लोटिंग आइलैंड थ्योरी कहलाएगी। कि भैया जहाँ जहाँ वो जा रहा है इंडिया का सिटीजन, अगर वो कमिट करता है तो वो उस पर ये कोड जो है अप्लाई होगा, ठीक है। सेकंड है एनी पर्सन ऑन एनी शिप जो इंडिया में, अब ध्यान देना सिटीजन वर्ड यूज़ नहीं किया है, ये कहा है इंडिया में जो शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होगा उस पे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो कमिट करेगा वो भी क्या होगा, उस पे आईपीसी अप्लाई हो जाएगी। और थर्ड में कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस, किसी भी जगह पे कोई भी बंदा, ध्यान रखना विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, या तो इंडिया में हो या बाहर हो कहीं पे भी, ऑफेंस कमिट करता है जो कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ करके, जो कि कहाँ हो, इंडिया में लोकेट हो, तो उस पर्सन को भी क्या करेंगे हम आईपीसी में लायबल ठहराएंगे, अगर वो ऑफेंस कमिट करता है तो, ठीक है। तो तीन तरह के यहाँ पे पर्सन ले लिए। और फोर्थ अगर आप पॉइंट लिखते हैं ना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में, तो सेक्शन 3 का भी आप जोड़ देंगे कि भाई जो यहाँ पे लायबल है ना और वो कहीं बाहर जाके करता है तो वो भी लायबल होगा, ठीक है, वो पॉइंट भी ऐड हो जाएगा। तो 4 इसमें पॉइंट्स हो जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन करता है ऑफेंस को, बताता है ऑफेंस क्या है और कंप्यूटर रिसोर्स है वो क्या है। तो देखो 21K में जो IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर रिसोर्स की जो मीनिंग बताया है वो ही होगा। और ऑफेंस को कहता है एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी एक्ट जो है इंडिया से बाहर कमिट किया गया है, जो कि अगर इंडिया में होता तो वो पुनिशेबल होता, तो वो ऑफेंस में, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है एक तरह से, ये ऑफेंस को अच्छी तरह नहीं बताया, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ा कीजिए। ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो है नागरिक है, कमिट्स अ मर्डर इन उगांडा, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ 4th का 1st, तो उसको उगांडा में अगर वो क्या कर रहा है, मर्डर कमिट कर देता है, तो वो इंडिया में कहीं भी पाया जाता है तो उस पर क्या होगा, मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे। 5th जो है वो भी एक तरह से एक्सेप्शन है, एक तरह कह दिया कि भाई आईपीसी यहाँ पे जो है अप्लाई होगी, लेकिन ये एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 361 पे, तो आप लिख सकते हैं कि सेक्शन 5 इज़ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। सेक्शन 5 क्या है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड, क्या कह रहा है कि इस एक्ट में जो भी हो, ठीक है, सोल्जर ऑफिसर सेलर और एयरमैन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, या कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है वहाँ पे भी इंडियन पीनल कोड जो है अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। तो ये कंटिन्यू में जो है पूरा आपका जो सेक्शन 5 है और 2 की कुछ बताई, ये एक क्वेश्चन लिए हुए है आपका मेंस का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, किस सेक्शन का, ये भी ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 2 का। तो 42 जो है, 41 और 42 ये लिख लेना 5th के आगे, वो डिफाइन करते हैं किसको, स्पेशल लॉ को और जो भी ये यहाँ पे लिखा है लोकल लॉ, ठीक है। 41 और 42 इनके आगे ऐसे ऐसे लिखते जाना ताकि आपको डेफिनेशन भी याद हो जाए, ठीक है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 लेंगे, जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशन या फिर डेफिनेशंस कहें वो होंगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो चैप्टर 1, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।